हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कि स्केचअप के अंदर राउंड कॉर्नर, शार्प कॉर्नर एंड बेवल क्या होता है, राउंड कॉर्नर एक्सटेंशन को हम कैसे यूज करते हैं, क्या क्या उसके सारे ऑप्शंस रहते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। तो वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये तीनों चीजें होती हैं, दिस इज कॉल्ड राउंड कॉर्नर, जिसमें आपके देख रहे हो जितने भी कॉर्नर है वो राउंड और इस तरीके का आपका जाल बन रहा है यहाँ पे, और जो आप देखोगे ये स्मूथ है बेसिकली, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आता है शार्प कॉर्नर, ये कॉर्नर देखो आप शार्प है और फ्लैट सरफेस है यहाँ पे। और थर्ड नंबर पे है बेविल, जो आपका इस तरीके से फ्लैट सरफेस दिखाएगा। तो इसको हम किस किस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, तो हमारे पास आज एक एक्सटेंशन है वो है राउंड कॉर्नर की, जिसमें ये तीनों चीजें हैं, राउंड कॉर्नर और आपका शार्प कॉर्नर एंड आपका बेवल, ठीक है। तो इसको करने के लिए मान लो मेरे पास ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पे हम इस चीज को अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट वाला मैंने ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे, अगर आप इसकी डायमेंशन देखोगे तो ये डायमेंशन है आपका 10 इंचेस, और यहां से आप देखोगे 5 फिट का ये है, और जो आपकी विड्थ है वो है आपकी 10 2 फिट, ठीक है। ये डायमेंशन आपको पक्का पता होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही फिर कॉर्नर को वहां पे राउंड करोगे या फिर बेवल करोगे। तो करना है ये है कि सबसे पहले आप क्लिक करोगे राउंड कॉर्नर पे, जो फर्स्ट वाला है। क्लिक करने के बाद आप देखोगे आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है जो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। नॉर्मल सा मोटिव क्या है वो सिंपली बता देता हूं कि आपको किसी भी एज पे क्लिक करना है और बाहर क्लिक कर देना है तो वो राउंड कर देगा, बट उसके बहुत सारे यहाँ पे पैरामीटर हैं जिनके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो एक एक करके हम उसे देखते हैं। सबसे पहले बात करें ये वाले पैरामीटर की, ये इस आपके जो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है इसको मूव करने के लिए है। कैसे, अगर मैं इसको यहां से श्रिंक कर दूंगा तो ये श्रिंक हो जाएगा, दोबारा इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे एक्सपेंड हो जाएगा पैलेट, इस पे डाउन पे क्लिक करूंगा तो जो ये पैलेट है वो नीचे आ जाएगा, अप पे क्लिक करूंगा तो ऊपर आ जाएगा, राइट पे करूंगा तो ये इधर से स्टार्ट हो जाएगा, लेफ्ट पे करूंगा तो ये इधर से स्टार्ट हो जाएगा। इनका सिर्फ ये मोटिव है और कोई मोटिव नहीं है, ठीक है। इनको जो चीजें काम की नहीं है हम उसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ कॉर्नर, जैसे आपने एक एज को सिलेक्ट किया है तो आप देखोगे एक एज सिलेक्ट हुई है एंड दो कॉर्नर सिलेक्ट हुए हैं। अगर मैं इसको भी क्लिक कर देता हूं तो आप देखोगे दो एजेस सिलेक्ट हुई है, तीन कॉर्नर सिलेक्ट हुए हैं। बीच में क्लिक करोगे किसी भी सरफेस के तो वो चारों उसके कनेक्टेड एजेस को यहाँ से सिलेक्ट कर लेगा, कुछ इस तरीके से, क्लियर है। तो ये आपको दिखाएगा कितने एजेस सिलेक्ट हुई हैं और कितने कॉर्नर्स आपके सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है क्लियर होल करोगे तो आपका यहाँ से क्लियर होल हो जाएगा अगर आप इस पे क्लिक करते हो, और एस्केप करोगे तो भी आप कमांड से इससे बाहर आ सकते हो, इसको आप क्लियर ऑल कर सकते हो। उसके बाद दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, एक्सटेंड सिलेक्शन टू ऑल कनेक्टेड एजेस, और ये आपका जो आपका एक्सटेंड सिलेक्शन टू को ऑफिशियल एंड अलाइंड एजेस। इसका क्या मतलब है, अगर बाय डिफॉल्ट इस पे क्लिक होता है, इससे क्या होता है कि अगर आपने इस फेस पे क्लिक किया ना तो जो इसके एजेस हैं उसी को सिलेक्ट करेगा, बाकी सरफेस को नहीं करेगा। इस पे क्लिक करोगे तो इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। बट अगर आपने क्लिक कर दिया, मान लो आपने क्लियर ऑल किया, और अगर आपने क्लिक कर दिया यहाँ पे एक्सटेंड सिलेक्शन टू ऑल कनेक्टेड एजेस, तो आप कंप्लीट को सिलेक्ट कर दोगे, ऑल कनेक्टेड एजेस एंड ऑल को, क्लियर है। कंप्लीट ऑब्जेक्ट को आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है कि आपको एंगल कितना चाहिए, इसको हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे है कि जो एज का सिलेक्शन है, एक्चुअली में ये है एज सिलेक्शन, कि किस तरीके से एज को सिलेक्ट करें, प्लेन एजेस को करें या सॉफ्ट एजेस हो उनको भी सिलेक्ट करें, स्मूथ एजेस हो उनको भी सिलेक्ट करें, या फिर कोई हिडन एजेस हो उनको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं इस पे राउंडिंग पैरामीटर की, आप ये राउंड कर रहे हो तो इसके पैरामीटर क्या है। सबसे मेन चीज यही दो चीजें हैं, ऑफसेट कितना रखना है एंड सेगमेंट कितना रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लियर किया, एक इस पे क्लिक किया और मैंने ऑफसेट कर दिया 2 इंच का, मतलब 2 इंच इधर और 2 इंच इधर, और यहाँ पे है नंबर ऑफ सेगमेंट, इसमें है 7S, तो जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स आएंगे वो 7S आएंगे, मतलब 7 सेगमेंट्स आएंगे। अगर आप यहाँ पे देखो, आप ही देखो जैसे ही बाहर जा रहे हो तो एक क्लिक का साइन आ रहा है, क्लिक टू एग्जीक्यूट, क्लिक करोगे तो आप देखो नंबर ऑफ सेगमेंट्स इतने आ गए। अगर आप काउंट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ सेगमेंट्स में इसने यहाँ पे राउंड किया है कॉर्नर को। अंडू किया, दोबारा मैं इसको कम कर देता हूँ, मान लो नंबर ऑफ सेगमेंट मान लो मैंने 3 कर दिया, अब अगर आप क्लिक करते हो तो नंबर ऑफ सेगमेंट 3 हो जाएंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि
कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जितना ज्यादा स्मूथ करोगे उतना ज्यादा ही वो वहां पे राउंड वाला इफेक्ट आपको वो दिखाने वाला है। ठीक है, अंडू किया। अब यहाँ पे इसके साथ साथ ये ऑप्शंस बता देता हूं, जो यहाँ पे जो सबसे मेन ऑप्शन है, एज पैरामीटर्स बॉर्डर्स कॉर्नर एंड इनर एजेस, कि आपको जो एजेस देखने हैं कैसे देखने हैं। अगर आप यहाँ पे सॉफ्ट होता है और स्मूथ होता है, दो चीज मेन होती है। बाहर क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये लाइंस आपको क्लियरली नजर आ रही है, ठीक है। बट अगर मैंने अंडू किया, बेसिकली जब मैं किसी भी चीज को स्मूथ करता हूं तो मैं लाइन नहीं देखना चाहता, मैं स्मूथ सरफेस देखना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मान लो मैंने बॉर्डर को स्मूथ कर दिया, कॉर्नर को स्मूथ कर दिया और इनर एजेस को स्मूथ कर दिया। अब मैं अगर क्लिक करता हूं तो ये स्मूथ आएगा, जो ये लाइंस आएंगी वो आपको दिखाई नहीं देंगी। ये बेसिकली आपकी सॉफ्ट लाइन है और सॉफ्ट लाइन हमेशा आपकी हिडन होती है। अगर मैं व्यू पे जाके हिडन ज्योमेट्री पे क्लिक करूं तो आप देखोगे ये लाइंस दिख रही हैं, बट ये हिडन है, सॉफ्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अगर मान लो मैंने अंडू किया, इसको स्मूथ भी कर दिया, अगर मैं अब बाहर क्लिक करता हूं तो ये आपके सरफेस को भी स्मूथ कर देगा। अगर आप हिडन यहां से हटा दो तो आप देखो आपका सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो गया। ठीक है, अगर मान लो मैं स्मूथ नहीं करता, दोबारा से मैं समझता हूं इस चीज को, स्मूथ नहीं करता तो ये विजिबल लाइंस आपको नजर आएंगे, देखो यहाँ पे। ठीक है, बट अगर ये विजिबल लाइंस भी नहीं देखना चाहते तो आप अपनी चीजों को स्मूथ कर सकते हो इस तरीके से। अंडू किया और ये आपका स्मूथ हो जाएगा, क्लियर है। यही चीजें हमारी जो काम आती हैं वो कहाँ पे होती हैं, अगर मैं बाहर जाके क्लिक करूं तो आप किसी भी चीज को स्मूथ करने के लिए इरेज कर सकते हो शिफ्ट प्रेस करके, तो आपके देखो सरफेस स्मूथ हो जाएगा ऐसे करने के लिए। या फिर आप सिलेक्ट करो किसी भी एज को और यहाँ पे आप जाओगे एंटिटी इन्फो में, यहां से तो कर सकते हो सॉफ्ट। सॉफ्ट क्या करेगा, आपको लाइन तो दिखाएगा बट सॉफ्ट दिखाएगा। और अगर आप क्लिक करके उसे आप यहाँ पे मान लो आपने इसको सिलेक्ट किया और अगर आपने स्मूथ कर दिया और सॉफ्ट कर दिया तो वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस दिखाएगा। तो ये डिफरेंस होता है स्मूथ में और सॉफ्ट में। ठीक है, अब मान लो मैंने क्या किया, दोबारा से अंडू किया, दोबारा से राउंड कॉर्नर लिया। अब राउंड कॉर्नर करके यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है कि आप यहाँ पे स्ट्रिक्ट ऑफसेट फॉर पॉसिबल ऑफसेट करना चाहते हो, राउंडिंग कॉर्नर करना चाहते हो, तो ये कुछ ऑप्शन है, इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। यहाँ पे मेनली तो यही है कि ऑफसेट कितना रखना है, सेगमेंट कितने रखने हैं और आपको ये सॉफ्ट और स्मूथ करना है। और कुछ ज्योमेट्रिक है यहाँ पे कि आप यहाँ से कमांड पे हो, आपको कमांड से अंडू करना है या आपको कमांड से बाहर जाना है, एग्जिट करना है, वो आपके सारे ऑप्शन है। ठीक है, अब आपका सेकंड नंबर पे जो शार्प कॉर्नर होता है, ये दोनों सेम ही है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर मैं राउंड कॉर्नर लूं और यहां से मैं इसको कर दूं एक्सटेंड और इस पे आप क्लिक करोगे तो आप देखो सारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ। अब अगर आप फिनिश करोगे इसे तो आप देखोगे कि जो इसने एजिस को लिया वो किस तरीके से एजिस को लिया, कि इस तरीके से एजिस के इसने बनाया है स्मूथ करने के लिए। अगर मैं यही चीज इस पे करूं, अगर मैं इस पे करता हूं यही चीज, इसको मान लो मैंने एग्जिट किया, ये मैंने लिया शार्प कॉर्नर। शार्प कॉर्नर के अंदर आप देखोगे यहाँ पे सेम पैरामीटर है, सेम सारी चीजें हैं, बट अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो इस तरीके से और बाहर क्लिक करते हो तो जो इसके एजेस हैं तो आप देखोगे इसके एजेस इस तरीके से आए हैं यहाँ पे और इसके एजेस कुछ इस तरीके से आए हैं। काम इसने भी वही किया है सॉफ्ट सॉफ्ट करने का, बट यहाँ पे शार्प कॉर्नर है, जो आपके कॉर्नर्स हैं ये वाले, ये शार्प है, इसने कॉर्नर को शार्प शार्प नहीं रखा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसने कॉर्नर को स्मूथ कर दिया, बट अगर मैं बात करूं शार्प कॉर्नर वाले पे, इसने इसके कॉर्नर को शार्प कर दिया। सिर्फ ये डिफरेंस है राउंड कॉर्नर और क्या नाम है शार्प कॉर्नर में। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है आपका बेवल। बेवल क्या करता है, वो स्मूथ नहीं करेगा, वो आपका कट कर देगा, जैसे ऑटोकैड में चैम्फर होता है। यहाँ पे क्लिक किया, अब इसमें आप देखोगे जो स्मूथनिंग वाले पैरामीटर है वो नहीं है। ठीक है, आपका यहाँ पे कर सकते हो कि ना यहाँ पे वो है ऑफसेट के साथ जो यहाँ पे था, सेगमेंट कितने रखने हैं तो यहाँ पे कितने का ऑफसेट चाहिए वो आप यहाँ से 2 इंच का कितना भी डाल सकते हो। ओके करो और इस पे क्लिक करोगे तो आप बाहर क्लिक करोगे तो देखो इस तरीके से कट वाला पैटर्न आ जाएगा। इस पे क्लिक करोगे, अगर बाहर क्लिक करोगे तो ऐसे कट वाला पैटर्न आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, एक साथ अगर आप सिलेक्ट कर करते हो इसे, कि ये क्लिक किया ऊपर वाला सेलेक्ट किया तो ऊपर वाला सरफेस कुछ इस तरीके से आ गया। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है अब कि आप किस तरीके से चीजों को यूज करते हो, राउंड कॉर्नर करने के लिए या ये सब चीजें करने के लिए। क्लियर है, यहाँ पे कुछ होता है कि जो ये वाला ऑप्शन था आपको जो मैंने बताया था, बाद में बताऊंगा,
डिफॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं, क्लिक करोगे तो ये जितने भी डिफॉल्ट पैरामीटर्स आ रहे हैं वो आप अपने तरीके से यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि किस तरीके का आपको डिफॉल्ट पैरामीटर चाहिए, कौन सा क्या कलर चाहिए, वो सारी चीजें आप इसको देख सकते हो और इसको सेव कर सकते हो या फिर रिसेट कर सकते हो अगर आपको गलत कुछ हो गया है तो। तो ये थी चीजें राउंड कॉर्नर के साथ और आपका यहाँ पे शार्प कॉर्नर के साथ एंड बेवल कॉर्नर के साथ। ठीक है, ये जब जो शेप्स हैं आपकी, ये आपकी काम करती हैं किसी भी सरफेस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सरफेस है और इस सरफेस को मान लो मैंने इस तरीके से यहां से पुश कर दिया, अब मेरे पास ये वाला सरफेस आ गया। ठीक है, और मान लो मैंने इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको भी पुश कर दिया इस तरीके से, तो मान लो मेरे को इस वाले पॉइंट पे चाहिए तो राउंड कॉर्नर लिया, ये वाला मैंने सिलेक्ट किया, ये किया, मान लो मेरे को ये भी चाहिए यहाँ से कॉर्नर, यहाँ से भी मेरे को स्मूथ चाहिए, तो आप बाहर क्लिक करोगे तो ये सारी चीजों को आप यहाँ से स्मूथ कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप सारी चीजों को स्मूथ कर सकते हो, ये जो बाहर वाला पार्ट है आप उसे इरेज कर सकते हो बाद में। ठीक है, या फिर अगर आपको लाइन नहीं देखनी है तो वही चीज आप इस पे क्लिक करो, बॉर्डर और एज को आप यहाँ से स्मूथ कर दो। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, किसी भी चीज को सिलेक्ट करते हो यहाँ पे, तो आप बाहर क्लिक करोगे तो आप देखोगे बिल्कुल स्मूथ आएगा, कोई लाइंस वगैरह आपको नहीं आएंगी, ये अब आपकी हिडन लाइंस हो गई है जो हिडन ज्योमेट्री पे जाके आप इस चीज को देख सकते हो कुछ इस तरीके से। क्लियर है? और अगर किसी भी लाइन को हाइड करना है आपको पता है इरेज कर सकते हो शिफ्ट प्रेस करके, वो आपकी लाइन यहाँ पे सॉफ्ट हो जाएंगी, इस तरीके से भी आप इस चीज को यहाँ से कर सकते हो। क्लियर? तो ये था आज का टॉपिक जिसमें आपका राउंड कॉर्नर किस तरीके से यूज करोगे, कैसे कैसे आप बेवल करोगे, शार्प कॉर्नर कैसे करोगे, इन सब चीजों के बारे में आपने जाना। ये बेसिकली एक एक्सटेंशन है जो आप एक्सटेंशन वेयर हाउस से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले इस टाइप की और वीडियो बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।